हेलो गाइस, आई एम सेफेटिक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो सारी, आई होप हम सब बढ़िया हो। गाइस आज की वीडियो में करने वाले कुछ स्टाइल ग्रीटिंग, तो ये फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इक्का वाला एडिटिंग होने जा रहा है इस तरह का। तो इस तरह का फोटो आपको बनाने के लिए करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और मेरे चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और गाइस मैं इसमें जो भी बैकग्राउंड पिन यूज करूँगा उसका लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउनलोड करने के बाद ये पिक्सआर्ट में लेकर के आना है। गाइज ये पिक्सआर्ट में ओपन हो चुकी है, इसके बाद सिंपली आपको चलना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपने कटआउट पीएनजी लेकर के आना है, जो फोटो का कटआउट पीएनजी होता है ना, बैकग्राउंड इरेज करके आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर लेकर के आना, मैं सिंपली लेकर आ जाता हूँ। ओके तो ये ओपन हो चुकी है गाइज, कुछ इस तरह का मैंने पोज दिया था। आप किसी भी तरह का पोज दे सकते हैं, कोई डिफरेंट पोज दे सकते हैं गाइज। इस तरह के फोटो को जूम करना है। ओके गाइज इसके बाद सिंपली यहाँ से चलना इरेजर वाई टूल में, और यहाँ से इरेजर पर टाइप करना है, उसका हार्डनेस को लो कर देना है, और ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर देना है, लगभग 25 लगभग कर देना है। और सिंपली इस तरीके से साइज अपने हिसाब से रखते हुए इस तरीके से नीचे से हल्का हल्का इरेज करना है। ओके गाइज तो मैं फटाफट कर लेता हूँ गाइज इस तरीके से। ओके गाइज ये चीज हो चुकी है, सिंपली यहाँ से डन कर देना, और यहाँ से इसे ऑल डन कर देना है। और सिंपली आपको चलना है यहाँ से ऐड फोटो में, यहाँ से चलना है ऐड फोटो में, और एक स्मोक का पीएनजी लेकर के आना। तो गाइज मैं सिंपली लेकर के आ जाता हूँ, ये स्मोक का पीएनजी मैं लेकर के आ जाता हूँ। स्मोक पीएनजी आने के बाद इस तरीके जिसको जूम करना है, और यहाँ पर अपने यहाँ पर रख देना है गाइज, और यहाँ से चलना है ब्लेंड में, ब्लेंड का मोड स्क्रीन कर देना है। ओके गाइज और सिंपली यहाँ से चलना ओपेसिटी में, ओपेसिटी को लगभग 50 के आसपास कर देना है। ओके गाइज ये चीज़ हो चुकी है, सिंपली यहाँ से सिंपली डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ से चलना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ये वाला पीएनजी लेकर के आना है, ये जो कार्ड का पीएनजी है इसे दो बार ऐड कर लेना है और सिंपली डन कर देना है, और यहाँ से लेकर के आना है। तो एक को मैं अभी साइड रख देता हूँ और एक पर वर्क करना है। गाइस इस तरीके से इसे जूम करना है और हल्का सा रोटेट करते हुए इस तरीके से यहाँ पर लेके आ जाना है। ओके गाइस उसके बाद सिंपली ये वाले को लेकर के आना है और इस तरीके से जूम करना है और यहाँ पर लेकर के आ जाना है। ओके गाइस सिंपली यहाँ से डन कर देना है और सिंपली चलना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से एक और कार्ड का पीएनजी आपको मिलेगा, उसे सिंपली यहाँ पर लेकर के आ जाना, यहाँ पर आप दो बार ऐड कर लेना आपको। ओके गाइज ये चीज़ हो चुकी है, और यहाँ पर सिंपली एक को इस तरीके से जूम करना है और थोड़ा इसे रोटेट कर देना गाइज, तो अच्छा लगे। ओके गाइज इस तरीके से करने के बाद सिंपली यहाँ से चलना है इफेक्ट में, और यहाँ से ब्लर का चूज़ करते हुए लेंस ब्लर कर देना। ओके गाइज और सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ये चीज़ हो चुकी है गाइज। इस पीएनजी को यहाँ पर लेकर के आना है, थोड़ा छोटा करना है गाइज, और यहाँ पर इस तरीके से बैठा देना है, और सिंपली चलना है इरेजर में, और यहाँ से इस तरीके से एक मिनट इरेजर में जाने के बाद इस तरीके से इरेज कर देना है। सो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें गाइज, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सिंपली अच्छी हो चुकी है, सिंपली यहाँ से डन कर देना गाइज, डन करने के बाद ऑल डन कर देना है, और एक पीएनजी आपको यहाँ पर और ऐड करना होगा। सिंपली चलना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ये वाला लेकर के पीएनजी आ जाना है, जो इक्का लिखा हुआ गाइज, इक्का पीएनजी इस तरीके से जूम करना है और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, और सिंपली इसे डन कर देना है। और आप देख सकते हैं कि पिक्सआर्ट में ये काम हो चुका है गाइज। अगर आप अपने फ़ोटो में किसी भी तरह का लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइज सिंपली यहाँ से चलना है ड्रॉ वाले आइकन में, ड्रॉ में जाने के बाद थ्री डॉट में जाना है और यहाँ से सेव इमेज कर देना है गाइज। उसके बाद सिंपली आपको चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। ओके तो गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो ऐड हो चुकी है गाइज,
आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो ओपन हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ से चलना है, ये फोटो ओपन हो रही है, सिंपली आपको चलना है यहाँ से लाइट्स में, लाइट्स में ज़्यादा नहीं छेड़ना, सिर्फ एक्सपोजर को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद सिंपली चलना है हाईलाइट में, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है और शेडो को बढ़ा लेना है। ओके गाइस, अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ना है, सिंपली चलना है कलर्स वाले आइकन पर और यहाँ से चलना है मिक्स में और आप अपने कपड़े के हिसाब से इस कलर को मैच कर देना। ओके गाइस, सिंपली चलना है, पहले फेस कर लेते हैं गाइस, ऑरेंज कलर चूज़ करते हुए उसका सेचुरेशन को कम करना है और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर देना। ओके गाइस, सिंपली यहाँ से कपड़े वाला कलर चूज़ करना है, बैगनी इसको कहते हैं, इसका सेचुरेशन को कम करना है और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर देना। ओके गाइस, अब सिंपली यहाँ से रेड को लेते हुए इसका सिचुएशन कम कर देना थोड़ा सा और ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर देना और सिंपली यहाँ पर डन कर देना। ओके गाइस, आप अपने कपड़े के हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि सबका कपड़ा अलग होता है गाइस। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है टेम्परेचर का, इसे सिंपली इस तरीके से माइनस का साइड कर देना है। उसके बाद टिंट है गाइस, टिंट को थोड़ा इंक्रीज करना है और वेवरेंस को भी, वेवरेंस को अपने हिसाब से देखते हुए मैं माइनस का साइड रखना चाहता हूँ, माइनस कर देना। ओके गाइस, सेचुरेशन को गाइस इस तरीके से लो कर देना है और सिंपली चलना नेक्स्ट वाले टूल पर और यहाँ से फोटो में थोड़ा क्लियरिटी दे देना है। ओके गाइस, ताकि फोटो में थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगे। ओके गाइस, सिंपली यहाँ से वीनेट को इस तरीके से कम करना है और यहाँ से डिहेज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके गाइस, और सिंपली यहाँ से आप थोड़ा टेक्सचर भी ले सकते हैं और सिंपली चलना नीचे वाले टूल्स पर और यहाँ से फोटो में थोड़ा शार्पनिंग ले लेना है। ओके गाइस, यहाँ से नॉइस रिडक्शन ले लेना है। ओके गाइस, और यहाँ से कलर्स नॉइस रिडक्शन ले लेना है और यहाँ से जो फोटो का डिटेल है उसे थोड़ा इंक्रीज कर देना है। ओके गाइस, ये चीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस बिफोर आफ्टर। तो गाइस, मैंने जो पिक्सआर्ट में फोटो को जो एडिट की थी कुछ इस तरीके का दिख रहा था और मैंने जो लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग की थी कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो गाइस आई देख सकते हैं गाइस बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर गाइस बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लुक है वीडियो, एकदम फोटो एकदम ऑसम बनकर रेडी हो चुका था। गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए सिंपली चलना ले शेयर वाले आइकन पर और यहां से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहां से साइज को 100% कर देना, लार्जेस्ट साइज कर देना और सिंपली यहां से डन कर देना है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट लाइक करना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।